माननीय श्री कामाख्या प्रसाद तासा। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा कोई डोनर पे बोलने के लिए परमिशन दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरा पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ। क्या ये महत्वपूर्ण विषय पे बोला महाशय। सभापति महोदय, पूरा देश का पॉलिटिकल पार्टी का भारी भारी लीडर यहाँ पर बोल चुके हैं डोनर पे। डोनर मिनिस्ट्री एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री 2004 में बना, लेकिन ये कम्युनिकेशन, ये जो नॉर्थ ईस्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेटिव पॉलिटिक्स है, उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। कम्युनिटी पॉलिटिक्स मतलब ये मिनिस्ट्री को ऑनरेबल वाजपेयी जी ने उस टाइम में नॉर्थ ईस्ट को देश के साथ जोड़ने के लिए बनाया था। नॉर्थ ईस्ट का साथ जोड़े देश को, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट ठीक हो, और नॉर्थ ईस्ट का आदमी को, जैसे आदमी लोग सोचता था काट ऑफ लैंड का एक आदमी है, एक स्टेट है इसका, थोड़ा महसूस ना हो, इसीलिए डोनर बनाया था। इससे पहले 1971 में जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बना, आप जानते हैं आप लोग सभी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल पूरा वेल इक्विप्ड नहीं था बोल के डोनर बनाया था। कांग्रेस का जो वरिष्ठ सदस्य है वो बोल रहा था, तो बोलने से मेरे को एक फ्रेंड ने बोला ज़्यादा इल मत करो। लेकिन क्यों हुआ इस नॉर्थ ईस्ट का बारे में इससे सोचने के लिए मौका क्यों मिला सब आदमी को? क्यों नॉर्थ ईस्ट ऐसा, नॉर्थ ईस्ट बोलने के लिए ऐसा मन में क्यों आए? क्योंकि फिर आप लोग कांग्रेस वाला झगड़ा करेंगे या नहीं पता नहीं। 1962 में जब चाइना वार हुआ, जब चाइना बोमडिला तक पहुंच गया, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला माई हार्ट गोज आउट ऑफ दी असम पीपल ऑफ असम। ये अभी तक गूंजता रहा वहाँ पर, अभी तक गूंज रहा है ये बात। तब ऐसा बोला कि असम इंडिया से उसको छोड़ दिया, चाइना का हाथ में छोड़ दिया था, ऐसे एक बात महसूस हुआ था और वो पूरा संप्रसारित हुआ था, इसीलिए आज तक ये बात है। क्यों ऐसा हुआ नॉर्थ ईस्ट के बारे में? जब कांग्रेस का शासन में बांग्लादेशी आदमी वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स पूरा आसाम घुसा, नॉर्थ ईस्ट घुसा, तब आसाम में एक एजिटेशन हुआ 1979 में, शुरुआत की आसाम का आदमी ने आंसू को लेके, अजय वाजपेयी को लेके, बाद में जब आदमी 800 लोग को मार दिया, आज तक भी कांग्रेस वहाँ पर वो क्षमा कभी मांगा नहीं स्टेट से, वो आसाम शहीद हुआ, बिगसाद आसाम एजिटेशन था। एक स्टेट का डेवलपमेंट के लिए एक एजिटेशन करना पड़े, एक जगह का डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमिस्ट होना पड़े, ऐसा कैसा देश है जो देश बनाया था? अभी बोल रहा था केनिया जी, बोल रहा था उसका लास्ट भाषण है, ही वॉज ए वेरी लर्नेड मैन, उनका स्टेट का आदमी कभी भी कांग्रेस को नहीं रखा वहाँ पर, हमेशा कोई ना कोई पार्टी रहता रहा। क्यों हुआ वहाँ पर, क्यों आदमी लोग इतना दुखी है? अभी बोल रहा था, मैं सुन रहा था डोनर का मीटिंग, इसमें इंटर स्टेट प्रॉब्लम क्यों है सर? इंटर स्टेट में आसाम का साथ मेघालय का झगड़ा, मेघालय का साथ आसाम का साथ अरुणाचल प्रदेश का झगड़ा, आसाम का साथ इसका झगड़ा क्यों हुआ, क्यों समाप्त नहीं हुआ था? ये अगर नॉर्थ ईस्ट मानते हैं, दिल्ली वहाँ से देखते हैं, दिल्ली का आदमी वहाँ दिल्ली में बैठ के ये कभी क्यों नहीं सोचा? ये कौन सोचा? ये सोचा नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट में और माननीय अमित शाह जी। नरेंद्र मोदी जी का फिर बोलना, ये बात बोलना पड़ेगा, बार बार हम लोग बोलते रहूँगा, एक गुजरात से जाके एक प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बना जो नॉर्थ ईस्ट को 50 बार गया, क्यों बाकी लोग नहीं सोचा ये बात? प्रधानमंत्री जी गामछा लेके घूमता, ये क्यों हुआ? आसाम नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ आदमी होंगे, लेकिन इज्जत बना, वो देश का इज्जत बन के वहाँ रखा। सब आदमी लोग आप जाते हैं माँ कामाख्या जी का वहाँ दर्शन करके आते हैं, उसको आप लोग को जानते हैं क्या महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा महसूस हुआ हम लोग को, क्यों महसूस हो रहा है? हम लोग ना हिंदी अच्छा बोल पाते हैं, ना इंग्लिश आधा बोल पाते हैं, हम लोग को आसामीज हिंदी में मिक्स होकर तो उल्टा लैंग्वेज बन जाता है, क्यों होता है ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि मेन लैंड से कटा हुआ था पॉलिटिकली। हम लोग बोलते थे पहले, एक बहुत बड़ा कहावत है, जब कांग्रेस का टाइम में मूक था नॉर्थ ईस्ट में और दूध देने वाला वो था दिल्ली में, वहाँ मूक खिलाते हैं और दिल्ली में दूध लेते थे, ऐसा था। अभी हम लोग बदल दिया, हम लोग दूध देने वाला वो उधर कर दिया और मूक इधर कर दिया, ऐसे हो रहा है, डेवलपमेंट उल्टा बन गया। क्यों देखिए, क्यों था इंटरस्टेट प्रॉब्लम? अभी 69 जो प्लेनरी नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेनरी सेशन था, वहाँ पर ऑनरेबल अमित शाह जी ने बैठक लिया और पूरा स्टेट चीफ मिनिस्टर को बोला इंटरस्टेट प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम लोग का चीफ मिनिस्टर, आसाम का चीफ मिनिस्टर, वो इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेके पूरा इंटरस्टेट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। अभी नागालैंड का साथ
ऑनरेबल एमपी साहब है और चीफ मिनिस्टर साहब का बेटा, अरुणाचल का साथ बैठा, मिजोरम का साथ बैठा। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मिजोरम का पुलिस को हम लोग असम पुलिस गोली मार दे? ऐसे हो सकता? कोई इंसिडेंट हो गया उस टाइम में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का इंसिडेंट हो गया, इसको इशू बनाना चाहते थे आप, इशू नहीं बना, क्योंकि हम लोग का समझदार जो चीफ मिनिस्टर है, दोनों चीफ मिनिस्टर समझदार से उसको सब संभाला। इसके लिए दोनों जैसा मिनिस्ट्री का जरूरत उस टाइम में पड़ा था। जब असम एजिटेशन हुआ था, वाजपेयी जी ने वहाँ पूरा इंडिया घुमा, पूरा नॉर्थ ईस्ट घुमा, एक ही नेशनल लीडर था आजमी वाजपेयी जी, पूरा नॉर्थ ईस्ट को घूम के ये बात महसूस हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ बनना चाहिए, इसलिए डोनर मिनिस्ट्री बनाया। आप लोग तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, भेजता ही नहीं है, तो हम लोग का क्या दोष है? उसमें क्या बोलना है हमको? वहाँ पर कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ से बनाया, लेकिन भेजता नहीं था। अभी मोदी जी वहाँ जा रहे, हर दिन कोई ना कोई सेंट्रल मिनिस्टर वहाँ जा रहे। यहाँ पर जितना सेंट्रल मिनिस्टर बैठा हुआ है, हरदीप सिंह पुरी जी को लेके जितना हम लोग का आदमी है, राणे जी है और डोनर मिनिस्ट्री, जितना आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, एक्सेप्ट डोनर मिनिस्टर तो है ही, हर दिन कोई ना कोई नॉर्थ ईस्ट का वहाँ पर बैठते हैं, जाते हैं। ये क्यों हुआ? और देवेगौड़ा जी वहाँ बैठा हुआ है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोगीबिल ब्रिज का शुरुआत किया, लेकिन ये तो कांग्रेस ने समाप्त नहीं किया, समाप्त किया हम लोग का गवर्नमेंट का दिन में समाप्त हुआ। ये जो धौला शोधिया ब्रिज था, जो अरुणाचल असम को लिंक करता था, उसको कितना दिन लग गया उसको समाप्त करने के लिए? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, हम लोग का मोदी जी को इनिशिएटिव लेना पड़ा। एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, आप लोग संजय राउत जी बोल रहा था, हम लोग जीतने के लिए पॉलिटिक्स करने के लिए बीजेपी वो पावर नहीं चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। ये एक उदाहरण है, मणिपुर में जो इलेक्शन हुआ, ये शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ, आपको देखना चाहिए। हंसिए मत, मणिपुर में आप गया, आप कभी सोचा है क्या मणिपुर में कितना एक्सट्रीमिस्ट था? आज दो दिन पहले इलेक्शन समाप्त हुआ, कितना शांतिपूर्ण, दो छोटा मोटा घटना होगा छोड़ के, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट जो स्टेट था सर, मैं आसाम से ज्यादा लगा हुआ है, उसमें जाने के लिए डर लगता था, क्योंकि उतना एक्सट्रीमिस्ट था। आज तो शांतिपूर्ण अवस्था है, क्यों है? ये डोनर मिनिस्ट्री से जो फीडबैक मिला, वो फीडबैक लेके पूरा मिनिस्ट्री काम कर रहे हैं। फंड कितना दे डोनर मिनिस्ट्री में मेरा उतना इशू नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंटली वहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई कोई मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंटली इसीलिए काम कर रहा मेरे को पता है। अभी नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड आसाम में 10 लाख लीटर दूध उत्पादन, डेली उत्पादन करने का एक सुक्ति किया। रूपाला जी तो नहीं है, रूपाला जी जाके वहाँ पर आसाम का चीफ मिनिस्टर से वो एमओयू में साइन किया। अभी सर्बानंद जी का जो डिपार्टमेंट है, पटना से पहली बार बहुत दिन का बाद, बहुत साल का बाद, एक जहाज जाके वहाँ ब्रह्मपुत्र में लगा, जहाँ पर फूड ग्रेन्स लेके गया था। ये डेवलपमेंट का बात तो है ही, क्योंकि बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में घुस नहीं सकता, आप लोग बांग्लादेश से बांग्लादेशी लोग को आसाम में लाके वोट बैंक बनाया, लेकिन हम लोग का गवर्नमेंट वो रूट को व्यवहार करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का बात सोच रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर का बात, ये सोच जो है, ये जो उनका विश्व गुरु का जो बात वो सोच रहा है, वही बात है, क्योंकि बांग्लादेश का साथ हम लोग बहुत दिन झगड़ा लगा। अभी तो जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर में सील हो गया, बांग्लादेशी आ नहीं सकता, वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स हम लोग मोटा मोटी उसको कंट्रोल किया। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करने के लिए बांग्लादेश का जो रूट है, गंगा नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं, इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? इसीलिए पावर अभी कभी, मैं नहीं चाहता हूँ क्या कांग्रेस वहाँ पर पावर में कभी आए, कांग्रेस को छोड़ के कोई भी पार्टी नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वापस वो झगड़ा शुरू हो जाएगा। हम लोग बहुत समझदारी से नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, इंटरस्टेट प्रॉब्लम हो, एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम हो, इसको संभाला है, क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ होता है तो दिल्ली में दर्द होता है बीजेपी लोग का, दूसरा का पता नहीं मेरे को क्या होता है, लेकिन वो मैं देखा। क्योंकि देखिए आप, जब उल्फा वहाँ पर उल्फा का जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेशनल तक पहुँच गया, यूएन तक कभी कभी पहुँचा है, उसको कितना परिश्रम से इसको संभाला है। वो लॉर्डर ठीक बात, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं था, लॉ एंड प्रॉब्लम कभी भी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर हाँ, जब ये तो होता है तो एक्सट्रीमिस्ट जब टेररिस्ट बनता है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इसको ठीक करने के लिए जो दिमाग लगाना था वो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने दिमाग लगाया, होम मिनिस्टर ने लगाया, पूरा पार्टी ने लगाया। अभी उल्फा फर्स्ट टाइम में, और दोहरा रहा हूँ, सदन में, पवित्र सदन में जो 26 जनवरी गया, उसमें कोई गलती, कोई बंद नहीं था, अभी शांतिपूर्ण व्यवस्था है। अभी नेशनल ऑयल मिशन का जो बात आया, नेशनल ऑयल मिशन का बात आया, उसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें थोड़ा इंटरवेंशन किया, इसीलिए अच्छा है। ये पॉजिटिवली इसको देखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का आदमी क्या है, तो 5 करोड़ आदमी, लेकिन इतना सेंटिमेंटल है, इतना दुखी है, क्या मेन लाइन से जो काटा हुआ है इसको जोड़ने का एक ही प्रयास है। मैं मेंटेलिटी जो
इकोनॉमिक सिस्टम जो पैसा कितना दे रहे, बजटरी प्रोविजन कितना है वो बात छोड़िए, लेकिन जो मेंटली दिल्ली से जोड़ गया, यही सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण दान है हम लोग का गवर्नमेंट का, मोदी जी का। यही इसको ही सोचिए, वो गाली देता रही है, कोई इसको क्रिटिसिज्म करते रहिए वो बात अलग है, लेकिन एक बात तो सोचिए कुछ हो रहा है। पीएम डिवाइन प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इंडस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट कितना पैसा दे दिया छोड़िए, लेकिन एक तो प्रोग्राम तो आया जो नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रोग्राम यहाँ पर लिखा गया है, इसको थोड़ा देखिए। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, दिमा हासा ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, ये छोटा छोटा एक एक डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो इतना ट्रबल देता था, इतना डिस्टर्ब था, क्या क्या डिस्टर्ब था, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको लूट रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है। अभी ऐसा है, अब हम लोग का ऑयल मंत्री बैठा हुआ है, पीछे नागालैंड का एमपी भी बैठा हुआ है, अभी नागालैंड में आप ऑयल नहीं निकाल सकता, क्योंकि आदमी का मन में है वो दिल्ली लेके चला गया फिर जगह ही नहीं। आप चेयरमैन सर नेशनल गैस ग्रिड में स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, तब बोर्ड दिखाता था नेशनल गैस ग्रिड आसाम से जोड़ा नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में जोड़ा नहीं था, एक ही पाइपलाइन है नुमलीगढ़ दुलियाजन पाइपलाइन, हम लोग हंसता है एक ही पाइपलाइन है, समय एक पाइपलाइन है, इधर से उधर चलता है। अभी बारावनी से जो लाइन है वो लाइन को छोड़ के हल्दिया से पूरा एक बड़ा पाइपलाइन गैस लाइन अभी जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इसको जोड़ा है, और गैस लाइन अगर अवेलेबल होगा तो गैस हम लोग का घर घर का गैस जो गैस अवेलेबल होगा। आप नागालैंड का बात जानते हैं कितना ऊंचाई चढ़ा है वहाँ पर, कितना रोड्स अभी बन रहे हैं, अभी जोरहाट से जूने बटू जो आप जा नहीं सकता, जोरहाट से चांकी जा नहीं सकता, ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, लेकिन आगे लगता था 7 घंटा, अभी तो कम से कम रोड ठीक हो रहा है, वो रोड से जा सकता है। आप बोल रहे तवांग आप जाइए, तवांग के लिए अभी अच्छा रोड्स भी बन रहे हैं, रेलवे को जोड़ रहे हैं, रेलवे जोड़ने से क्या होगा मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ, रेलवे जोड़ने से पूरा इंडिया को जोड़ना जैसा लगता है। अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत डेवलपमेंट काम हो रहा है, जैसे पहले आप गुवाहाटी जाते थे एक महसूस होता था कब कब बम फटेगा, मैं तो आदमी आके बोलता है अरे गुवाहाटी जाने से ऐसा लगता है कब बंद हो जाएगा, लेकिन ये तो कम से कम महसूस फ्री हो गया, अभी गुवाहाटी जाके आराम से आ सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ा है, आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने बोला है। ये जो प्रॉब्लम्स है सर, इसको डोनर मिनिस्ट्री ठीक बात है एक प्लान करना चाहिए, कैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट को प्लान हुए से इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इज रूल्ड बाय सेपरेट स्टेट्स है, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोल के एक साथ में एक क्लब करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो चीफ मिनिस्टर से ऑल आर इक्विप, पूरा ऑल चीफ मिनिस्टर जो त्रिपुरा आया, कोई कम्युनिस्ट लेडी पार्टी से हम लोग का मैडम बोल रहा था, आपका क्या किया था उसमें, पूरा त्रिपुरा को बर्बाद करके रख दिया था, वो क्या बोला, वो क्लासलेस क्या लेस करके उसको खत्म ही कर दिया था, उसको स्टेटस लेस कर दिया था। अभी तो कम से कम हम लोग का पार्टी में तो कुछ हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी वाला सुन लीजिए, आपका जो आप भी भूखा, आप लोग खाते रहे कि आदमी लोग भूखा रहता था, अभी तो सब खा रहे हैं वहां पर, कम से कम त्रिपुरा में तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, हो तो रहा है, आप लोग क्या कम्युनिस्ट हम लोग किया ठीक है, आप लोग ही किया, लेकिन भूखा था वो तो आप लोग का टाइम में भूखा था, मैडम आप लोग का टाइम में भूखा था, बजटरी प्रोविजन का बात नहीं बोल रहा हूँ, दुखी है आदमी लोग, दुखी था मैडम वहाँ पर, आप माने या ना माने, आप लोग का चीफ मिनिस्टर रिक्शा में जाता, आपका कहाँ पर जाता था वो बात अलग है, लेकिन आदमी लोग तो अभी गाड़ी में चल रहा है, उसको देखिए त्रिपुरा का, त्रिपुरा इतना खराब था, मिजोरम में आप लोग चाहता कि आसाम पुलिस जाके वहां गोली मार दे, हम लोग का चीफ मिनिस्टर, हम लोग का होम मिनिस्टर बहुत ठीक है, तो गोली तो नहीं चला, लेकिन अभी डिस्कशन चल रहा है वहां पर, अच्छा से डिस्कशन चल रहा है, शांति व्यवस्था होगा, आप वहां पर, मैं ये बात नहीं बोल रहा, आसाम एजुटेशन के लिए जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको नॉर्मल है, सिचुएशन नॉर्मल होगा तो डेवलपमेंट आएगा, नॉर्मल सिचुएशन, अभी जनरल साहब बैठा हुआ है, हम लोग वहां पर क्या करना पड़ता था, तब आर्मी को लेके जाना पड़ता था, आप इंडियन आर्मी को मारने के लिए इंडियन आर्मी को व्यवहार क्यों करना चाहता था, कोई तो उसका रहा था, अभी तो कम से कम बंद हुआ, एक भी एक्सट्रीमिस्ट हम लोग का गोली से नहीं मर रहा है, अभी कोई एक्शन हो रहा है तो ड्रग्स का अगेंस्ट में एक्शन हो रहा है, मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ क्या जो इंटरस्टेट बॉर्डर है उसमें ड्रग्स का कुछ प्रबंध किया जाए, ड्रग्स नहीं आए, जो रीजनल सिस्टम है आप आइए कभी देखिए वहां पर, आप त्रिपुरा से डायरेक्ट उड़ के यहाँ आ जाएगा ऐसे नहीं होता है, आप कम से कम गाड़ी से आइए तो पता चलेगा, गाड़ी से आइए ना, आइए देखिए दूर में कितना है, अरुणाचल जाने में कितना दिक्कत है, उसमें अभी निपम रेवल जी पहले बैठा हुआ अभी लिख रहा है कि उस बोलेगा शायद, ये भी रेबिया जी का वहां जाने के लिए कितना प्रॉब्लम था, वो ब्रिज बनने में कितना टाइम लगता था, इतना पॉलिटिकल ऐसा होना चाहिए था कि वाजपेयी जी उसको ओपन किया, वो बोल के वो ब्रिज को बनाने के लिए 30 साल लगता है, ऐसे हो सकता है कभी, ऐसे हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों था,
बिकॉज आप लोग का मन बहुत खराब था, वो डिस्टर्ब रहे तो यहाँ से पैसा जाएगा, बीच में कोई खा जाएगा, ऐसे था मेरे को लगता था। नॉर्थ ईस्ट इंडीज पेट्रोलाइज, देखिए डोनर मिनिस्ट्री मिनिस्टर बैठा हुआ है, डोनर मिनिस्टर जो अच्छा बात है, एक प्लान डेवलप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसके लिए सोच रहे हैं। ये जो गैप फंडिंग का डिपार्टमेंट है, ये ऐसा मिनिस्ट्री नहीं है क्या, वो खुद का पैसा है, वो खुद डेवलपमेंट कीजिए, वो चीफ मिनिस्टर लोग हैं वहाँ से प्रपोजल भेजेगा, ये काम करेगा। फिर भी जो गैप फंडिंग से, गैप फंडिंग के लिए डोनर काम कर रहा है, इसको थोड़ा अच्छा से काम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ क्या दो एक मिनट में रीजनल जो धान रिसर्च सेंटर है उसमें थोड़ा काम किया जाए, धान जो राइस रिसर्च सेंटर है उसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए, जो 1923 में क्या था जोरहाट में है, नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर एक पॉलिसी बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हम लोग का वहाँ पर एग्री प्रोडक्ट है वो एग्री प्रोडक्ट को लाके यहाँ पर दिल्ली में उसको पॉपुलराइज किया जाए, और आर्डर पर्स में जो ऑर्गेनिक खाप है प्रधानमंत्री जी ने बोला है, इसको थोड़ा व्यवस्था करने के लिए व्यवस्थित रूप से डोनर मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ईस्ट का आदमी लोग के साथ बात करके एक पॉलिसी बनाए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और पैसा कितना है वो छोड़िए, लेकिन बाकी मिनिस्ट्री से पैसा लेके अभी जो हो रहा है नेशनल हाईवे, वाटरवेज, कनेक्टिविटी, रोड, आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत कुछ काम किया, इसको थोड़ा और प्रबंधित रूप से डेवलपमेंट के लिए काम करें, ये मैं आशा करता हूँ। और डोनर मिनिस्ट्री का जो विषय है आज अच्छा लगा, क्योंकि डोनर का ऊपर में बात करते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट का बात आप लोग सोच रहे, ऐसे आगे सोचे, इसको कहते हुए मेरा बात विराम देता हूँ। धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा।